हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज हम देखेंगे एनटीए मॉक टेस्ट का टेस्ट नंबर 626। ट्रिक्स भी देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस में, और एनटीए का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ साथ देखते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बायो का ही देखेंगे हम। फर्स्ट, व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी? आंसर सी, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक्सप्लेनेशन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप्स, ए ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, इट इज द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटरोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। अ पार्ट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाई प्लांट्स इन रिस्पायरेशन आर, वेयर एज द रिमेनिंग इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हेंस एन पी पी इक्वल टू जी पी पी माइनस आर। टू, द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर सी, माइक्रोस्पोरोसाइट। एक्सप्लेनेशन, द माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरोसाइट इज अ डिप्लॉइड सेल दैट डिवाइड्स मियोटिकली टू गिव राइज टू फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स इन यंग एंथर लोब्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म आर्कियोस्पोरियल टिश्यू वाइट फोर कॉर्नर्स इन फोर लोब्स। दिस आर्कियोस्पोरियल टिश्यू डिवाइड्स टू फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू एंड प्राइमरी पैराइटल लेयर। दिस प्राइमरी पैराइटल लेयर डिवाइड्स टू फॉर्म थ्री लेयर्स, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। थ्री, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? फर्स्ट, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल एंड अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। सेकेंड, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। थर्ड, एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन फीमेल बॉडी। फोर्थ, इन द अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी हॉर्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाई द ओवरी। एंड द करेक्ट आंसर सी। एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट थ्री एंड फोर आर इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन, एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी ऑफ फीमेल बॉडी। ओवरी प्रोड्यूसेस रिलैक्सिन हॉर्मोन इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे अर्ली फेज इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, द ब्रेन कैपेसिटीज ऑफ होमो हैबिलिस एंड न्यूडल्टन मैन वेयर रिस्पेक्टिवली। एंड करेक्ट आंसर बी, 650 to 800 cc, 1400 cc निडल्टन का। यहाँ पे एक ट्रिक भी है कि होमो हैबिलिस में हैबिलिस का देखेंगे तो H4 हेक्सा, हेक्सा मतलब हेक्स मतलब सिक्स, तो 650 to 800 हो जाएगा। और निडल्टन मैन को याद रखने के लिए एन से स्टार्ट हो रहा है, तो एन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 1400 cc ऐसे याद रख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, होमो हैबिलिस इज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड ऑर्गेनिज्म विथ करेंटली कैपेसिटी 650 to 800 cc। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। होमो इरेक्टस 1.5 माया फॉसिल्स वेयर डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891, करेनियल कैपेसिटी वाज 900 cc, लार्ज ब्रेन, दे प्रोबेबली एट मीट। और यहाँ पे हम होमो इरेक्टस का जो ट्रिक है याद करने का, करेनियल कैपेसिटी ई फोर इरेक्टस हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ई को अगर रिवर्स करेंगे तो 9 बन जाएगा, तो 900 cc ऐसे याद रख सकते हैं। निडल्टन मैन 1,40,000 ईयर्स एगो दे लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। क्रेनियल कैपेसिटी वाज 1400 cc। दे यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड ब्रीड डेड इंडिविजुअल्स। फाइव, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? फर्स्ट, द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सेकेंड, एनालॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। थर्ड, व्हेन एडेप्टिव रेडिएशन हैज अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फोर, नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। फिफ्थ, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर अनस्टेबल। यहाँ जो इवोल्यूशन में 20 बिलियन ईयर्स जो ओल्ड है, और बहुत सारे जो ईयर वाले जो क्वेश्चंस हैं, फैक्ट हैं, उनको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। उस इवोल्यूशन का जितना भी ट्रिक है ईयर वाले, उसको मैं अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको। करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी, थ्री।
एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट 2, 3 एंड 5th आर इनकरेक्ट। सेकेंड, एनालॉजी इंडिकेट्स डिफरेंट एंसेस्ट्री। थर्ड, व्हेन एडेप्टिव रेडिएशन हैज अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया वन कैन कॉल दिस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फिफ्थ, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। सिक्स, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, फ्लाइंग बर्ड्स कोलम्बा सिटाकुला एप्टेनोडाइट्स। फ्लाइंग बर्ड्स पैसर स्पैरो, कॉर्वस क्रो, सिटाकुला पैरट, कोलम्बा पिजन, पाओक पीकॉक, नेशनल बर्ड नेफ्रॉन वल्चर। फ्लाइटलेट्स बर्ड्स रैटी ग्रुप स्ट्रिथियो ऑस्ट्रिच रिया एमू, अदर्स एपेंडोडाइट्स पेंगुइन। सेवन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। एक, आंसर सी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इट इज फाउंड इन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन इन द प्लाज्मा। एक्सप्लेनेशन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड इन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन इन RBC बट इन वेरी लो क्वांटिटीज इन द प्लाज्मा। इट मेडिएट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शंस। एट द टिश्यू साइट PCO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन। CO2 डिफ्यूज इन टू ब्लड RBC एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड H+। एट, इन द इक्वेशन ऑफ SF पॉपुलेशन ग्रोथ, dN/dt इक्वल टू RN, K-N/K आर रिप्रेजेंट्स बायोटिक पोटेंशियल। इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ, पर कैपिटा ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन साइज एंड हाउ क्लोज इट इज कैरिंग कैपेसिटी K। आर इज द पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज अंडर आइडियल कंडीशंस एंड इट वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। फॉर इंस्टेंस, बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस मच फास्टर देन ह्यूमंस एंड वुड हैव अ हायर मैक्सिमम पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज। द मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉर अ स्पीसीज इज कॉल्ड इट्स बायोटिक पोटेंशियल। आर रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नाइन, अरेंज द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा ए, फाइलम कोर्डेटा बी एंड फाइलम मोलस्का सी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए, बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन ए। एक्सप्लेनेशन, द नंबर ऑफ स्पीसीज इन फाइलम ऑर्थोपोडा ए इज मोर देन 1.3 बिलियन बिकॉज इंसेक्ट्स फॉर्म द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप मोर देन 70% ऑफ द टोटल एनिमल्स। फाइलम मोलस्का सी इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम विच अप्रोक्सीमेटली 90,000+ स्पीसीज। फाइलम कोर्डेटा बी हैज अप्रोक्सीमेटली 60,000 स्पीसीज एमंग विच हाफ ऑफ द स्पीसीज आर फिशेज। 10, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट, कैटालिटिक कन्वर्टर्स कन्वर्ट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इंटू CO2 एंड H2O। सेकेंड, द कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट्स कार्बन ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इंटू CO2 एंड N2। थर्ड, ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज ऑफ एटमोस्फेरिक पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। फोर्थ, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स एलॉन्ग विद द यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन नॉट रिड्यूस द पोल्यूटेंस दे इमिट। फिफ्थ, इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट केम इंटू फोर्स इन 1981, एमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज एज एयर पोल्यूशन। करेक्ट आंसर 1, 2, 3 एंड 5। एक्सप्लेनेशन, अ कैटालिटिक कन्वर्टर इज फिल्टर्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज। दे आर फिटेड विथ हैवी मेटल्स लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम विच एक्ट एज कैटलिस्ट एंड कन्वर्ट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इंटू CO2 एंड H2O एंड कन्वर्ट कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इंटू CO2 एंड N2। हाउएवर, द यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल इज नेसेसरी एज द लेड इन पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। 11, यूकैरियोट विदाउट अ सेलुलोजिक सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शोइंग हेटरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज। आंसर सी, माइकोटा। फंजाई, माइकोटा आर स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिंगल सेल्ड और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ सेल वॉल बेसिकली कंपोज ऑफ काइटिन, अल्फा एंड बीटा लिंक्ड ग्लूकन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब्स सोलूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, हेंस दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। 12, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय बी फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय एन ओमाइसिटी फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। दिस फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयरिस पोटैटो
फेमाइन इन मिड 19th सेंचुरी, द फंजाई डिस्ट्रॉय द लीव्स स्टेम्स फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ द पोटैटो। 13 इन इलोथ्रिक्स म्यूसिस टेक्स प्लेस इन सी जाइगोट। इलोथ्रिक्स इज ग्रीन एल्गी विच शोज अ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इन विच जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर एंड इट अंडरगोज म्यूसिस टू रीस्टोर द हैप्लोइड कंडीशन। 14 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए फाइलम हेमिकोर्डेटा कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स विच विद ऑर्गेन सिस्टम लेवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आंसर बी फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल इन इकाइनोडर्मेटा। एक्सप्लेनेशन इन इकाइनोडर्मेटा रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। 15 प्रोवैस्कुलर टिश्यू गिव्स राइज टू। आंसर सी प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। एक्सप्लेनेशन प्रोकैम्बियम इज प्राइमरी मेरिस्टेमिक टिश्यू विच अंडरगोज डिविजन टू फॉर्म प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू सच एज प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आर फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम। 16 सेलेक्ट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। सी एनल स्टाइल फाउंड इन मेल कॉकरोच ओनली। एक्सप्लेनेशन एनल सर्काई आर मल्टी सेगमेंटेड ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर इन द 10th एब्डोमिनल सेगमेंट दैट आर सेंसिटिव टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। दीज स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन बोथ सेक्सेस। इन कॉकरोच एज मालपिगियन टिब्यूल्स अराउंड 100 to 150 आर प्रेजेंट इन नंबर एंड आर स्क्रिटरी इन फंक्शन। स्पेरिकल्स आर द ऑर्गेन्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्पिरेशन। अ पेयर ऑफ एनल स्टाइल्स आर ओनली प्रेजेंट इन द मेल कॉकरोचेज एंड आर द मेल कोपुलेटरी स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन मेटिंग। 17 द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर एक्सक्रीशन एंड इट इज एब्सेंट इन सी प्लाज्मोडियम। A contractile vacuole is involved in osmoregulation. It is majorly found in protists and unicellular algae. Hence, it is present in Eugenia, amoeba and paramecium and absent in plasmodium. 18. Organic compound firmly bound to an apoenzyme to make it catalytically active is C. Prosthetic group. Explanation: cofactors are the non-protein constituents that bound to an enzyme to make it catalytically active. Cofactors can be of three types: first prosthetic groups, second coenzymes, third metal ions. First prosthetic groups, organic compound firmly bound to an apoenzyme. Example: heme is a prosthetic group for peroxidase and catalase, which mediates the breakdown of hydrogen peroxidase to water and oxygen. Second, coenzyme, organic compound loosely bound to an apoenzyme. Example, most of the members of the vitamin B complex, coenzymes NAD, nicotinamide adenine dinucleotide and NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, contain vitamin niacin. Third, metal ions. These form coordination bonds with the side chain at the active site of the enzyme and simultaneously with one or more coordination bonds with the substrate. Example, zinc acts as a cofactor for carboxypeptidase enzyme. 19. Which of the following best describes how the substrate fits with the enzyme? Answer D. None of these. Explanation: according to induced fit theory, catalytic site of an enzyme undergoes conformational changes on coming in contact with a specific group of substrates so that the substrate can fit into the active site, forming ES complex, enzyme substrate complex. This explains group specific nature of enzyme. 20. Separation of homologous chromosome of a pair occurs during B disjunction. Separation of homologous chromosome of a pair occurs during anaphase 1 of meiosis 1 and this is called disjunction. It results in a reduction in chromosome number 2½. 21. Absorption of water by plants is enhanced by B. Increasing transpiration. Explanation: loss of water due to transpiration in leaves exerts a pool in vertical water column present in xylem. This is known as transpiration pool. Absorption of water and ascent of sap in plants occur due to transpiration
पूल दस हायर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। 22 द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन एज इट रिक्वायर्स एनएरोबिक कंडीशन। इनोड्यूल एनएरोबिक कंडीशन इज प्रोवाइडेड बाय लेग होमोग्लोबिन। एक्सप्लेनेशन लेग होमोग्लोबिन फंक्शन एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर एंड हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इट इज सिंथिसाइज बाय होस्ट सेल एंड सराउंड्स द बैक्टेरॉइड प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल। इट टेक्स द ऑक्सीजन देयर बाय प्रोटेक्टिंग द एंजाइम नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीडेशन। 23 वेस्टफुल लाइट इंड्यूस्ड रिस्पायरेटरी प्रोसेस रिलीजिंग CO2 इज कॉल्ड एज बी फोटो रिस्पायरेशन। क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। फोटो रिस्पायरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस विच अकर्स इन C3 प्लांट्स एट हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी। इट अकर्स बाय ग्लाइकोलेट साइकिल विच अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सीजोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन विच सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज्ड एंड एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। 24 द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन आर द ए लिप्स। लीव्स ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ पिगमेंट सिस्टम नोन एज फाइटोक्रोम विच परसीव्स लाइट एंड कंट्रोल्स फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। फाइटोक्रोम अकर्स इन टू इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स विच रेगुलेट जीन एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग हॉर्मोन फ्लोरीजेन। 25 इलियोसिकल वाल्व प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फिकल मैटर फ्रॉम बी सिकम टू इलियम। एक्सप्लेनेशन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी इन द लार्ज इंटेस्टाइन। फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आर फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर एंड मिनरल्स सेकेंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच कीप्स द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ फेसेज एंड लुब्रिकेट्स इट फॉर एन ईजी पैसेज। फेसेज इंटर्स सिकम थ्रू द इलियोसिकल वाल्व। दिस वाल्व प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फिकल मैटर इन टू द इलियम। 26 फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बी एस्परगिलस नाइगर एंड पेनिसिलियम नोटैटम। एक्सप्लेनेशन अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ पेनिसिलियम स्ट्रेंस आर 40% ऑफ द एस्परगिलस स्ट्रेन yield antibiotics. Aspergillus fumigatus and Penicillium notatum are the two strains which yield antibiotics in higher concentration. 27 identify the set of hormone releasing IUD progestasert LNG20. इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है। जैसे हार्मोन रिलीजिंग बोल रहा है तो यहाँ पे हम जैसे प्रोजेस्ट्रॉन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दो हार्मोन है तो प्रोजेस्ट्रॉन से याद रखेंगे प्रोजेस्टासर्ट और ल्यूटिनाइजिंग से याद रखेंगे LNG20। ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन रिपीट भी किए हुए पिछले टेस्ट में आया हुआ है। टाइप ऑफ IUDS ए नॉन मेडिकेटेड IUDS लिपिज लूप बी कॉपर रिलीजिंग IUDS कॉपर टी कॉपर 7 मल्टी लोड 375 कॉपर रिलीजिंग IUDS है प्रोजेस्टासर्ट LNG20। 28 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आंसर ए पेक्टोरल गर्डल फोर बोन्स इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन द शोल्डर गर्डल ऑफ पेक्टोरल गर्डल बोन्स इन द अपेंडिकुलर स्केल्टन इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स द क्लेविकल एंड स्कैपुला। रिप्स 8th, 9th, and 10th आर नोन एज फॉल्स रिप्स। दे डू नॉट कनेक्ट टू द स्टर्नम इंस्टीट्यूट ऑफ दे कनेक्ट टू द कोस्टल कार्टिलेज। 29 द एस्टिमेशन ऑफ मोर देन 70% ऑफ द लाइव ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन ए इंडिया एंड चाइना। एक्सप्लेनेशन इट एस्टिमेटेड दैन मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन द इंडिया एंड चाइना। हाउएवर इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25% दैट इज द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लेस। 70% का आधा 35 से भी कम है 25। 30 गोनाडोट्रोपिन्स इंक्लूड FSH एंड LH। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट
ऑफ एल एच, डी इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ ओवरेज ओवेरियन फॉलिकल, एक्सप्लेनेशन इन मेल और इन फीमेल। एफ एस एच इन मेल, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बाई एफ एस एच एंड एंड्रोजेन। एफ एस एच इन फीमेल, एफ एस एच इनक्लू स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। एल एच इन मेल, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एंड्रोजेंस मेल हॉर्मोन्स फ्रॉम टेस्टिस। एल एच इन फीमेल्स इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, फुली मैच्योर फॉलिकल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम द रिमेनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। 31. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी डी आर आई, विच हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव पील इज लोकेटेड एट बी लखनऊ। सहेली, डेवलप्ड एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी डी आर आई लखनऊ, इज अ नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल एंड वंस अ वीक पील। साइड इफेक्ट्स ऑफ वेरी फ्यू एंड द कंट्रासेप्टिव वैल्यू इज वेरी हाई। इसका एक ये पूछता बहुत है कि वंस वीक है या वंस मंथ है या वंस इन ईयर है। तो सहेली जो है बहुत सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। तो सहेली से आप ऐसे याद रखेंगे, एस फोर सहेली और एस फोर सप्ताह यानी 7 दिन का। तो वी वंस वीक है यानी एक सप्ताह में लेते हैं, एस फोर सहेली और एस फोर सप्ताह यानी 7 दिन। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, इसका यही ट्रिक है। 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन एसोसिएटेड विथ फ्लाइट इन बर्ड्स। आंसर सी बिक्स, एडेप्टेशन फॉर फ्लाइंग इन बर्ड्स। ए प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड फीदर्स, बी एयर सैक्स इन लंग्स, सी हॉलो और न्यूमैटिक बोन्स, डी ओनली लेफ्ट ओवरी इज फंक्शनल। 33. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइनो बैक्टीरिया इज इनकरेक्ट। ए साइनो बैक्टीरिया लाइक नोस्टोक एंड एना बेना आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। एक्सप्लेनेशन, द साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। द साइनो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कोलोनियल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई अ जेलेटिनस सीथ, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिम्स कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स, एग्जाम्पल नोस्टोक एंड एनाबेना। 34. व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड लीव्स इज कॉज्ड बाई अ पैरासिटिक फंजाई कॉल्ड एल्ब्यूगो। एक्सप्लेनेशन, व्हाइट रस्ट डिजीज अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू पैरासाइटिक फंजाई कॉल्ड एल्बुगो। 35. आइडेंटिफाई अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल लैकिंग ट्रू सिलोम। ए एस्केरिस, एस्केरिस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल पोजेजेज फॉर सिलोम लैकिंग ट्रू सिलोम। कॉकरोच ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल पोजेजेज ट्रू सिलोम साइजोसिलोम। अर्थ वर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल पोजेज ट्रू सिलोम साइजोसिलोम। फ्रॉग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल पोजेज ट्रू सिलोम एंट्रोसिलोम। 36. व्हिच सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, सी कैटल फिश दस स्नेल। एक्सप्लेनेशन, मिंड्रीना नाइडेरिया बेरोय टीनोफेरा प्लेनेरिया प्लेटीहेलमिंथस स्केरिस एस्केलमिंथस। कैटल फिश मोलस्का, टस्क सेल मोलस्का फाइलम, सिल्वर फिश अर्थोपोडा फाइलम, डॉग फिश कोर्डेटा फाइलम। 37. द प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया इज डी प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विथ डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइटा इन विच द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन पार्शियली और फुल्ली। 38. द फैमिली कंटेनिंग मस्टर्ड एंड इट्स मेन कैरेक्टर्स आर ब्रेसिकेस ट्रामेरस फ्लावर सिक्स स्टैमेंस बाई कार्पेलरी गाइनेशियम सिलिकुआ टाइप फ्रूट। एक्सप्लेनेशन, मस्टर्ड ब्रेसिका कैंपेस्टेरिस इज अ मेंबर ऑफ ब्रैसिकेसी फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ टेट्रामेरस फ्लावर हैविंग
ट्रिप्टफैन डायनामस स्टामिन्स 2+4 बाई कार्पेलरी सिनकार्पस गैनेशियम विथ फॉल्स सेप्टम कॉल्ड रेप्लम एंड द फ्रूट इज सिलिक्वा। 39 द इंडोडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ ए कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इंक्लूड्स हाइपोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस ऑफ रूट्स कंसिस्ट ऑफ कैस्पेरियन स्ट्राइप एंड इंडोडर्मिस ऑफ स्टेम कंसिस्ट ऑफ स्टार्च सीथ। 40 चूज द इनकरेक्ट मैच। न्यूक्लियस बी आंसर। लाइसोजोम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। लाइसोजोम कॉमनली कॉल्ड सुसाइडल बैग्स कंसिस्ट ऑफ 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल बायोमोलिक्यूल्स दस दे कैरी आउट इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। 41 देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स। अरेंज दीज स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। ए इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इन टू द होस्ट। बी मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड डेजायरेबल जीन्स। करेक्ट आंसर सी देन ए देन बी। सी देन ए देन बी। टू मॉडिफाई एनी ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली डिजायर जीन्स ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड द जीन इज देन इंसर्टेड इन टू द डिजायर्ड होस्ट यूजिंग द सुटेबल मेथड एट सच अ पोजिशन दैट द जीन मल्टीप्लाइज इन टू द होस्ट एंड इज ट्रांसफर्ड टू ऑल द प्रोजेनी सेल्स। 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड अंडर कोर्डेटा। ए यूरो कोर्डेटा एंड सिफेलो कोर्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोर्डेटा। फर्स्ट सब फाइलम यूरो कोर्डेटा और ट्यूनिकेटा। सेकेंड सब फाइलम सिफेलो कोर्डेटा। थर्ड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरिकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज प्रोटोकोर्डेटा। 43 अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर ए गैमेटोजेनेसिस बी गैमेट ट्रांसफर सी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब डी सिनगेमी ई एम्ब्रियोजेनेसिस। करेक्ट आंसर ए बी सी। एक्सप्लेनेशन सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। दिस जायगोट अंडरगोज माइटोसिस एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। द सिनगेमी एंड एम्ब्रियोजेनेसिस आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। 44 द ग्रिटी नेचर ऑफ डायटोमियस अर्थ इज ड्यू टू ए सिल्का इन द सेल वॉल। एक्सप्लेनेशन In diatoms, the cell walls form two thin overlapping cells which fit together as in a soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Hence, diatoms have left behind a large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. 45 Sea lily belongs to the phylum D. Echinodermata. Examples of Echinodermata: Asterias, starfish, Entodon, sea lily, Echinus, sea urchin, Cucumeria, sea cucumber, Ophiuria, brittle star or serpent star, Echino कार्डियम हर्ट अर्किन एंड ओफियोथ्रिक्स ब्रिटल स्टार। 46 व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरोन। डी आउटर सरफेस ऑफ एक्सोन इज निगेटिवली चार्ज्ड इज इनकरेक्ट। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरोन एक्सोनल मेम्ब्रेन इज ए मोर परमिएबल टू के प्लस बी नियरली इमपरमिएबल टू एन ए प्लस impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm. The high concentration of K plus and negatively charged proteins and low concentration of Na plus in exoplasm. In contrast, the fluid outside the exon contains a low concentration of K plus, a high concentration of Na plus, and thus form a concentration gradient. These ionic gradients across the resting membrane are maintained by the sodium potassium pump which actively transport
थ्री एन ए प्लस आउटवर्ड्स फॉर टू के प्लस इंटू द सेल। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि कितना सोडियम होता है और कितना पोटेशियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन, तीन में लास्ट में एन आ रहा है, यानी कि तीन सोडियम और दो पोटेशियम, ऐसे याद रख सकते हैं। तीन 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 सोडियम आउटवर्ड्स और दो पोटेशियम इनवर्ड्स, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ एक्जोनल मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे ऐसे भी आ सकते हैं, आउटर पॉजिटिव का और इनर निगेटिव रहता है, तो पी ओ, ओ फॉर आउटर, पी फॉर पॉजिटिव, और अब निगेटिव जो बच गया तो इनर हो जाएगा निगेटिव चार्ज। द इनर सरफेस ऑफ एक्जोनल मेम्ब्रेन इज निगेटिवली चार्ज। द एक्जोनल मेम्ब्रेन इज पोलराइज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। 47. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट साइकल्स इज एग्जिबिटेड बाई एक्टोकार्पस एंड केल्प्स। सी हैप्लोडिप्लोइटिक साइकिल। द डिप्लोइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट्स विद मल्टी सेलुलर सैप्रोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव हैप्लोइड गैमेटोफाइट। सच अ पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लोइटिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट्स दिस पैटर्न। इंटरेस्टिंगली व्हाइल मोस्ट अलगल जेनरा आर हैप्लोइटिक, सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प्स आर हैप्लोडिप्लोइटिक। 48. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमोंग द फॉलोइंग इज डी, प्लासेंटा इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ गैनेशियम इन द फ्लावर। एक्सप्लेनेशन। द गैनेशियम इन द फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर अटैच टू द थैलेमस, इट्स यूनिट इज कार्पल। द प्लासेंटा इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी, नॉट प्लासेंटा, नॉट गैनेशियम। 49. सिंपल स्क्वैमस इपिथिलिया आर मेनली कंसर्न्ड विथ ए डिफ्यूजन। सिंपल स्क्वैमस इपिथिलिया सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स आर इरेगुलर बाउंड्रीज एंड सेल्स एंड इरेगुलर बाउंड्रीज। द मेन फंक्शन इज टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन। एग्जाम्पल वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ एल्विओलाई। 50. माइक्रो प्रोपेगेशन द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपेगेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रैपिडली मल्टीप्लाइंग स्टॉक प्लांट मटेरियल टू प्रोड्यूस मेनी प्रोजेनी प्लांट्स यूजिंग मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड्स। माइक्रो प्रोपेगेशन इज यूज टू मल्टीप्लाई प्लांट्स सच एज दोज दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड और ब्रेड थ्रू कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स। 51. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इपिथेलियल टिश्यू। बी इज इनकरेक्ट, इन इपिथेलिया सेल्स आर लूजली पैक्ड विद सम इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इपिथेलियल टिश्यू टर्म्ड गिवन बाय रियूस, इपिथेलिया इज द कवरिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट्स। इपिथेलिया पोजेज अ फ्री सरफेस विच फेसेज एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूड और एनी ल्यूमेन इन द बॉडी। इन इपिथेलिया सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद सम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। 52. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। आंसर सी कॉक्सल बोन। द कॉक्सल बोन इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल विच ऑफ अ गर्डल विच ऑफ अ पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्जियल स्केलेटन कंप्राइज ऑफ 80 बोन्स। फर्स्ट स्कल 22 बोन्स, एक रेनल बोन्स, 8 बोन्स, पेराइटल बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन एंड इथमॉइड बोन। बी फेसियल बोन 14 बोन, लैक्रिमल बोन, नेजल बोन, जाइगोमैटिक बोन, मैग्जिला, मैंडिबल ईटीसी। सेकेंड ईयर ऑसिकल 6 बोन्स। थर्ड हाइवाइड बोन 1 बोन। फोर वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 फ्यूज्ड एंड कोक्सीजियल 1 फ्यूज्ड वर्टिब्रा। फिफ्थ स्टर्नम 1 बोन। सिक्स रिब्स 12 पेयर्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ 126 बोन्स। 1 अपर लिम्स 30 बोन्स ईच। द बोन्स ऑफ ईच हैंड आर ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ला 1, कार्पल 8, रिस्ट बोन, मेटाकार्पस 5, पाम बोन्स एंड फैलेंजेज 14 डिजिट्स। सेकेंड पेक्टोरल गर्डल
फोर बोन्स, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल आर वन क्लेविकल और कॉलर बोन्स प्लस वन स्कैपुला, थर्ड अपर लिम्स 30 बोन्स ईच, फोर्थ पेल्विक गर्डल 2 बोन्स, पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स। 53 द मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ एन इंजाइम इज डी डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। इंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट बाइंड टू अ मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट टू मॉडिफाई इट एंड लोअर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इट रिएक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इफ द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज। 54 द पार्ट ऑफ द सार्कोमेयर इन विच मल्टी मायोसिन इज प्रेजेंट इज टर्म्ड एज डी एच बैंड, आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड और लाइट बैंड इट कंटेन्स एक्टिन, ए बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड और डार्क बैंड इट कंसिस्ट मायोसिन, जेड लाइन इट इज एन इलास्टिक फाइबर्स विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ईच वन बैंड एंड बाइसेक्ट्स, एम लाइन इट इज अ थीन फाइबर्स मेम्ब्रेन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ईच ए बैंड, सार्कोमेयर इट इज द पार्ट ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एच जोन इन अ रेस्टिंग स्टेट द सेल्स द एंड्स ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट्स पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट्स लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट्स, दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट इज नॉट ओवरलैप्ड बाई थिन फिलामेंट एंड इज टर्म्ड एज एच जोन। 55 चूज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ए पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड अ हेक्सा डेकैनोइक एसिड इज आई पी एस सी नोमेनक्लेचर इज द मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन एनिमल्स प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स, इट इट्स केमिकल फॉर्मूला इज C3CH2O14COOH। 56 इन विच स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट रिकम्बिनेशन नोड्यूल अपियर इन मियोसिस, डी पैकेटीन, द फर्स्ट टू स्टेजेज ऑफ प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटीन, ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोजोम्स क्लियरली अपियर एज टेट्राड्स, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाई द अपेयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स, द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम्स। 57 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, फर्स्ट द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, सेकेंड नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, थर्ड द लार्जेस्ट आइसोलेटेड से सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, फोर्थ ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोट्स, फिफ्थ प्रोकैरियोट सेल आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई स्लोली देन यूकैरियोटिक सेल, आंसर ए 2। स्टेटमेंट 4 एंड 5 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोटिक एंड नाउ कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड एट मच फास्टर रेट देन यूकैरियोटिक सेल्स। 58 इन द रेटिना द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर फर्स्ट जनरेटेड इन ए फोटोरिसेप्टर्स, मैकेनिज्म ऑफ द विजन, लाइट रेज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर फोकस्ड ऑन रेटिना वाया पासिंग थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस, लाइट इंड्यूस्ड डिसोसिएशन ऑफ फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स फोटोपिगमेंट्स कंपाउंड्स ऑफ ऑप्सिन अ प्रोटीन एंड रेटिनल एनाल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए इंटू रेटिनल एंड ऑप्सिन, स्ट्रक्चरल चेंजेज इन ऑप्सिन, चेंजेज इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, पोटेंशियल्स आर जनरेटेड इन फोटोरिसेप्टर सेल्स रॉड्स एंड कोन्स, प्रोडक्शन ऑफ अ सिग्नल क्रॉसेस द बाइपोलर सेल्स एंड रीचेस द गैंग्लियन सेल्स, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल्स, ट्रांसमिशन ऑफ दीज एक्शन पोटेंशियल इम्पल्सिस बाय द ऑप्टिक नर्व अप टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन फॉर द एनालिसिस। विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म बाय द एसोसिएशन विद एरियाज इन द ब्रेन, ए आंसर बी बैलेंसिंग, एसोसिएशन एरियाज इन सेरेब्रम, दीज एरियाज आर नाइदर सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, दीज रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिएटिंग कम्प्लेक्स फंक्शन विद
फंक्शंस लाइक ए इंटर सेंसरी एसोसिएशन, बी मेमोरी, सी कम्युनिकेशन। 60. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए डूरा मैटर इज द आउटर लेयर ऑफ द क्रेनियल मेनिंजेज, बी इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर द रेयर इन द ह्यूमन बॉडी, सी द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द मिडल ईयर। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? आंसर है बी 1, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। साउंड वेव्स कलेक्टेड बाई पिन्ना वाइब्रेशन इन ईयर ड्रम, देन ईयर ऑसिकल स्मेलियस इनकस स्टेपस, देन ओवल विंडो, उसके बाद वाइब्रेशन आर पास्ड ऑन टू द फ्लूड ऑफ द कोकिलिया, देन जनरेशन ऑफ वेव्स इन द लिम्स, आफ्टर दैट इंडक्शन ऑफ अ रिपल इन द वेस्कुलर मेम्ब्रेन, देन बेंडिंग ऑफ द हेयर सेल्स इन द ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई, आफ्टर दैट हेयर सेल्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, आफ्टर द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज इन एफरेंट न्यूरॉन्स, देन ऑडिटरी नर्व्स, आफ्टर दैट ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन वेयर द इम्पल्सेस आर एनालाइज्ड। 61. ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नोन एज बी लैगिंग स्ट्रैंड, द सिंथेसिस ऑफ वन डॉटर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस एंड द स्ट्रैंड इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड, द अदर डॉटर डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एंड इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। 62. ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू बायोम्स इज कॉल्ड बी इकोटोन, एंड इकोटोन इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, इट इज वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट, इट मे बी नैरो और वाइड, इट मे बी लोकल, द जोन बिटवीन अ फील्ड एंड फॉरेस्ट और रीजनल, द ट्रांजिशन बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड इको सिस्टम्स। 63. इफ़ द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 100 ml एंड द हार्ट बीट रेट इज 82 टाइम्स पर मिनट, व्हाट विल बी द कार्डियक आउटपुट? एंड करेक्ट आंसर डी 8.2 लीटर रिबर। कार्डियक आउटपुट CO, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट ईच वेंट्रिकल पम्प्स ड्यूरिंग 1 मिनट। कार्डियक आउटपुट CO इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम SV इंटू हार्ट बीट रेट HR इक्वल टू 100 ml इंटू 82 पर मिनट इक्वल टू 8200 ml इक्वल टू 8.2 लीटर। इकोसैन इज बी अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग एक्सक्रीटा। एक्सप्लेनेशन, इकोलॉजिकल सैनिटेशन कॉमनली एब्रीविएटेड एज इकोसैन ऑल्सो स्पेल्ड इकोसैन इज एन अप्रोच टू सैनिटेशन प्रोविजन विच एम्स टू सेफली री यूज एक्सक्रीटा इन एग्रीकल्चर एज मैन्योर, इट डिजायर्स टू क्लोज द लूप मेनली फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर बिटवीन सैनिटेशन एंड एग्रीकल्चर। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्लाइकोलिसिस? सी द फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट इज स्प्लिट इन टू डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड। एक्सप्लेनेशन, इन ग्लाइकोलिसिस द ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 molecules ऑफ पाइरुविक एसिड इन प्लांट्स, दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च। इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रिस्पिरेशन। 66. सेलेक्ट द इन अप्रोप्रिएट पेयर। ए केमोसेंसिटिव एरिया फॉर रिस्पिरेशन पोन्स इज इनकरेक्ट। रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, द न्यूरल सिस्टम मेंटेन्स द रिस्पिरेटरी रिदम ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स वाया फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ए मेडुला, इट पजेजेज ए रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम। बी केमोसेंसिटिव एरिया, इट इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इंक्रीज इन CO2 एंड H+ कंसेंट्रेशन, स्टिमुलेशन ऑफ केमोसेंसिटिव एरिया, देन सेंड सिग्नल्स टू द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द रिस्पिरेटरी प्रोसेस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेज। बी पोन्स, इट पोजेज
नेमोटैक्स के सेंटर दैट मॉडरेट्स द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। स्टिमुलेशन ऑफ दिस सेंटर अल्टर्स द रेस्पिरेटरी रेट बाई रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। 67 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ ए फीमेल। ए मॉन्स पीबियस, बी वेजाइना, सी लेबिया माइनोरा, डी क्लाइटोरिस। आंसर बी वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ए गोनेट्स ओवरीज वन पेयर, बी एक्सेसरी डक्ट्स ओविडक्ट्स फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस एंड वेजाइना, सी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है मॉन्स पीबियस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। 68 क्राई जीन इज एसोसिएटेड विथ, ए आंसर सी बैसिलस थुरिंजियनसिस। The cryogene family produced during the late exponential phase of growth in Bacillus thuringiensis is a large still growing family of homologous genes in which each gene encodes a protein with a strong specific activity against only one or a few insect species. 69 The DNA is a very long polymer and there are technical limitations in sequencing very long pieces of DNA. The long fragments of DNA are sequenced using answer D, B and C both, BSC and YSC. 4. Sequencing the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller sizes and cloned in the suitable host using specialized vectors. The cloning results in the amplification of each piece of DNA fragments so that it subsequently could be sequenced with ease. The commonly used hosts are bacteria and yeast, and the vectors are called as BSC, bacterial artificial chromosomes, and YSC, yeast artificial chromosome. 70 Leading cells are located C outside the seminiferous tubules but in the testicular lobules. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells called male germ cells, spermatogonia and Sertoli cells. The regions outside the seminiferous tubules called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cell or leading cell. 71 Morels and agaricus have edible fruiting bodies and belong to their respective class as A. Ascomycetes and Basidiomycetes. Morchella, the true morels, is a genus of edible sac fungi closely related to anatomically simpler cup fungi belong to Ascomycetes. Agaricus is an edible fungus and is commonly known as a mushroom. It is a saprophytic fungus found growing on soil humus, decaying litter on forest floor in the fields and lawns, wood logs and manure piles. Agaricus belongs to Basidiomycetes. 72 In the given systematic diagram, which is plastocyanin? Kon plastocyanin hai? And the correct answer is B. डी इन डायग्राम, यानी पीएस फर्स्ट जो पहले जो आ रहा है वो। एक्सप्लेनेशन, प्लास्टोसाइनिन इज अ कॉपर रिलीज कंटेनिंग प्रोटीन दैट प्लेज अ रोल इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। इट सर्व्स एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट बिटवीन द साइटोक्रोम क्रोम कम्प्लेक्स विच फॉलोज फोटो सिस्टम सेकेंड एंड द एंट्री ऑफ पॉइंट टू फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑफ द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। 73 द साइंटिफिक प्रोसेस बाई विच क्रॉप प्लांट्स आर इनरिच्ड विथ सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बी बायोफोर्टिफिकेशन। एक्सप्लेनेशन, बायोफोर्टिफिकेशन द इंक्रीज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द एडिबल पार्ट्स of the plants can be achieved by either mineral fertilization or plant breeding. Biofortification through plant breeding consists of the development of micronutrient enhanced crop varieties through conventional breeding.
74 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऊजेनेसिस। आंसर सी, द प्राइमरी ऊसाइट अंडरगोज अ सेकेंड अनइक्वल मियोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लोइड सेकेंडरी ऊसाइट एंड अ टीनी सेकेंडरी पोलर बॉडी। द प्राइमरी ऊसाइट फर्स्ट अंडरगोज एन अनइक्वल मियोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लोइड सेकेंडरी ऊसाइट एंड अ टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। 75 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए आंसर ए, ए 4, बी 5, सी 1, डी 3, ई 2। द इंटरनल बड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज आर कॉल्ड गेम्यूल्स। लीफ बड्स आर फॉर्म्ड इन ब्रायोफाइलम। बल्बिल इज फ्लेशी बड्स ऑफ प्लांट्स लाइक एगेव। ऑफसेट इज मीन ऑफ प्रोपेगेशन फॉर वाटर हाइसिंथ। पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली थ्रू कोनिडिया। 76 इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजेकुलेट्स कुड बी करेक्टेड बाय ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक्सप्लेनेशन, इनफर्टिलिटी केसेज आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल आर और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजेकुलेट्स कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेट्स AI टेक्निक। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन टू द वेजाइना और इन टू द यूट्रस IUI इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। 77 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूबल्स। ए ग्लोमेरुलस। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, ए ग्लोमेरुलस, बी रीनल ट्यूबल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इन बाउंस कैप्सूल। रीनल आर्टरी टू एफरेंट एट्रियोल्स अ फाइन ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी टू ग्लोमेरुलस टू एन एफरेंट आर्टरियोल। बी रीनल ट्यूबल इज डिविजिबल इन टू ए बाउमस कैप्सूल। इट इज अ डबल वाइल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर इंक्लोजिंग द ग्लोमेरुलस मालपिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बाउमस कैप्सूल। बी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल PCT। सी हेनल स्लोप। डी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल DCT। ई कलेक्टिंग डक्ट। मैच द फॉलोइंग। आंसर ए, इसका मैंने ट्रिक बना रखा है अपने चैनल पर, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप चैनल पर जाइए और वीडियो में जाकर देखिए, बहुत ईजी ट्रिक है। द बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम। स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनस्कस पोर्पियस हैव बीन कॉमर्शलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टेरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू अ हार्ट अटैक। एस्परगिलस नाइगर अ फंगस प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड। द लार्ज होल्स इन स्विस सीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टेरियम नेम्ड प्रोपिनियो बैक्टेरियम शर्मानी। 79 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ए स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गेन। रेजिस्टेंस इन माइक्रोब्स आर एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। 80 नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ए अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट। इन नाइट्रिफिकेशन अमोनिया इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू नाइट्राइट्स NO2- एंड देन टू नाइट्रेट्स। द इनिशियल स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाई नाइट्रोसोमोनास एंड देन नाइट्राइट टू एंड देन नाइट्रेट। नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाई द एक्शन ऑफ नाइट्रोकोकस। 81 जीन्स कंटेनिंग द इंट्रोन्स आर कॉल्ड बी स्प्लिट जीन। एक्सप्लेनेशन, स्प्लिट और इंटरप्टेड जीन इज डिफाइंड एज अ जीन कंसिस्टिंग ऑफ
इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स, रिमूवल स्प्लिसिंग ऑफ इंट्रोन्स फ्रॉम अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्री एम आर एन ए इन एसेंशियल प्रोसेस टू क्रिएट एम आर एन ए, रिमूवल स्प्लिसिंग ऑफ इंट्रोन्स फ्रॉम अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर क्रिएशन ऑफ एन एम आर एन ए। इसका एक ट्रिक भी है, जैसे इंट्रोन जो है वो रिमूवल होता है यानी स्प्लिसिंग होता है, यानी कि स्प्लिसिंग मतलब रिमूवल, यानी कि एस पी एल आई आई आ रहा है, आई मतलब इंट्रोन्स, आई फॉर इंट्रोन्स और स्प्लिसिंग में आई आ रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखें। 82 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टी सेल्स, आंसर डी दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। टिश्यू मैचिंग ब्लड ग्रुप में मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनो सप्रेसेंट्स ऑल हिज हर लाइफ। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। 83 एमिनो एसिड ल्यूसीन इज कोडेड बाई 6 ट्रिपलेट कोडोन्स यू यू ए यू यू जी सी यू यू सी यू सी सी यू ए एंड सी यू जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलीवेंट फॉर द स्टेटमेंट गिवेन, आंसर बी डीजनरेसी ऑफ कोडोन। द जेनेटिक कोड इज डीजनरेट मेनली एट द थर्ड कोडोन पोजिशन, हाउएवर द रीजन ऑफ फॉर द डीजनरेसी स्टिल रिमेन्स अननोन। द जेनेटिक कोड इज डीजनरेट बिकॉज देर आर मेनी इंस्टेंसेज इन विच डिफरेंट कोडोन्स स्पेसिफाई द सेम एमिनो एसिड। जेनेटिक कोड इन विच सम एमिनो एसिड्स मे बी कोडेड बाई मोर देन वन कोडोन रिप्रेजेंट डीजनरेसी ऑफ कोडोन। 84 सेलेक्ट द मिसमैच, ए बिनाइन ट्यूमर ट्यूमर्स पोजेज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एक्सप्लेनेशन, कैंसर इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन इंडिया मोर देन अ मिलियन पीपल सफर फ्रॉम कैंसर एनुअली आउट ऑफ द विच मोस्टली डाई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स बिकॉज ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स कीप अ चेक ऑन दियर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। हाउ मच लिंकेज स्ट्रेंथ इज प्रेजेंट बिटवीन टू जीन्स ए एंड बी विच आर 6 cm फार फ्रॉम ईच अदर इन सेंटीमॉर्गन फार फ्रॉम ईच अदर इन अ क्रोमोजोम, आंसर सी 94%। अ मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% ऑफ क्रॉस ओवर रिकम्बिनेंट्स, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स द लिनियर डिस्टेंस along with chromosome for which a recombination frequency of 1% is observed. These distances can be expressed in Morgan units. One Morgan unit represents 100% crossing over. Since the distances between A and B genes is 6 centimorgan percent of recombination will be 6%, as the distance between genes is directly proportional to the percentage of recombination, so here linkage strength represent between two genes A and B is 90%. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो डिस्टेंस होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो रिकॉम्बिनेशन होता है, तो वैसे करके याद रख सकते हैं, लिंकेज उसका अपोजिट हो जाएगा। 86 विद द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन द सेकेंडरी होस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर है बी स्पोरोजोइट। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ह्यूमन होस्ट एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वेक्टर होता है। ओके नेक्स्ट 87 न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इज द सी इज द मेन जीनस ऑफ बैक्लोवायरस दैट आर यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। द न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ बैक्लोवायरस इज अ वायरस अफेक्टिंग इंसेक्ट्स प्रीडोमिनेंटली मॉस एंड बटरफ्लाई, इट हैज बीन यूज एज पेस्टिसाइड। 88 लाइकोपेरोन ओपेरोन इज एन इंडिविजिबल ओपेरोन, अ जीन सिस्टम ऑफन इनकोडिंग अ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ एंजाइम्स
एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन कैटाबोलिक पाथवे इज डिस्यूबल इफ एन अर्ली मेटाबोलाइट इन द पाथवे कॉज इज एक्टिवेशन यूजुअली बाय इंट्रेक्शन विद एन इनएक्टिवेशन ऑफ अ रिप्रेसर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स इनकोडिंग एंजाइम्स। 89. Select the incorrect match. B. Phobia corpus atresia is located in the central part of the phobia is incorrect. Macular lutea location it is the yellowish pigmented spot located at the posterior pole of the eye lateral to the blind spot. Phobia it is a central pit found in the macular lutea. It is a thinned out portion of the retina in which only the cones are found in a densely packed manner. Visual acuity resolution is greatest at this point. Last question of biology, our bio. A bacterium divides every 35 minutes. If a culture containing 10 to the power 5 cells per ml is grown for 2 hours 55 minutes, what will be the cell concentration per ml? A. 32 into 10 to the power 5 cells. Explanation. The bacterium divides after every 35 minutes through simple mitotic division. The duration of cell division allowed is 2 hours 55 minutes, 125 minutes. Therefore, the number of division as 125 by 35 equal to 5. Since one bacterium, one division produces 2 cells, the cell concentration after 125 minutes will be 10 to the power 5 into 2 to the power 5 equal to 2 to 32 into 10 to power 5. Okay, these all are the bio questions with detailed explanation by NTA and tricks. Please like our video, subscribe our channel and share to the friends and other WhatsApp groups. Thanks for watching. Keep subscribed for receive daily updates of NTA mock test and tricks. Thanks for watching.